हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरर्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुब्रतो और आज से एक नई सीरीज़ हमारे चैनल के ऊपर चालू होने वाली है और ये है इस सीरीज़ की पहला वीडियो। यहाँ पे हम लोग एक ही सेगमेंट के बाइक्स के साथ जो है अलग अलग ब्रांड के बाइक को लेके कंपेयर करेंगे। यहाँ पे एक ही सीसी सेगमेंट के ऊपर हम लोग अलग अलग ब्रांड के बाइक्स के साथ कंपेयर करने वाले हैं और कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए, कंपैरिजन में कौन सी बाइक सबसे टॉप में आती है, वो सारी चीज़ें आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेगा। तो आप भी अगर कोई भी बाइक को लेके देखना चाहते हैं कंपैरिजन कि आप कौन सा बाइक ले दोनों बाइक में से, तो आप वो दोनों ही बाइक्स का जो नाम है वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। हम लोग उसका भी एक वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिले और आपको चुनने में कोई परेशानी ना हो कि आप कौन सी बाइक खरीदें, आपके लिए कौन सी बाइक बेस्ट होगी। तो आज के एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ दो ब्रांड की तरफ से। एक तो होगा हस्क्वर्ना स्पार्कप्लेन 250 मॉडल और दूसरा होगा KTM की तरफ से आने वाली ड्यूक 250 मॉडल। ये दोनों ही बिल्कुल सेम इंजन के ऊपर बेस्ड है, तो यहाँ पे सारे पावर फिगर बिल्कुल सेम मिलते हैं दोनों ही बाइक्स के, लेकिन दोनों ही बाइक्स की जो लुक्स है और जो कैटेगरी है वो अलग अलग है। हस्क्वर्ना स्पार्कप्लेन 250 में आपको एक रेट्रो लुकिंग क्लासिक डिजाइन देखने को मिलता है और अगर आप दूसरे साइड में ड्यूक को देखेंगे तो KTM ड्यूक 250 एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है। तो दोनों की जो कैटेगरी है दोनों ही बाइक्स की वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे दो इंजन बिल्कुल सेम ही रखा गया है। यहाँ पे बजाज इन दोनों ही कंपनी को ओन करती है इंडियन मार्केट में, मतलब इंडिया में इन दोनों ही ब्रांड को बजाज जो है मार्केटिंग में रखा है, तो आपको पता ही होगा इस बारे में। तो सबसे पहले अगर बात की जाए हस्क्वर्ना 250 स्पार्कप्लेन के बारे में, तो यहाँ पे आपको सेम इंजन मिलता है 248 cc का सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, यहाँ पे लिक्विड कूलिंग मिलता है और ड्यूक में भी वही सेम 248 cc का सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है लिक्विड कूलिंग के साथ। यहाँ पे दोनों ही बाइक में आपको 6 feet गेयरबॉक्स मिलता है और पावर फिगर के बारे में अगर बात किया जाए तो दोनों ही बाइक्स पे आपको 29.6 bhp की पावर मिलती है एट 9000 rpm और इन दोनों ही बाइक्स की इंजन से जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो है 24 न्यूटन मीटर्स की एट 7500 rpm में। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम रखा गया है सारी चीज़ें। तो ये 250 cc सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग बाइक्स निकल के आती है ये दोनों ही में। यहाँ पे और भी दूसरे ब्रांड की तरफ से बाइक्स आती है 250 सेगमेंट में, जैसे कि डोमिनर 250 या फिर जिक्सर 250 SF, ये सारे बाइक्स भी आपको मिलते हैं ऑप्शन में, लेकिन उससे ये दोनों बाइक काफ़ी ज़्यादा आगे निकल के आती है। प्राइस में अगर देखेंगे तो प्राइस में भी आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है हस्क्वर्ना स्पार्कप्लेन 250 में भी और ड्यूक 250 में भी, लेकिन उसका एक रीज़न है क्योंकि ये दोनों ही ब्रांड काफ़ी प्रीमियम ब्रांड है। यहाँ पे आपको जो भी पार्ट्स मिलते हैं, जो भी चीज़ें दिया गया है, बहुत ही प्रीमियम लगता है, काफ़ी प्रीमियम दिया भी है और दोनों ही बाइक्स लुक्स वाइज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू डोमिनर 250 और जिक्सर 250। उन दोनों से बहुत ज़्यादा आगे निकल के आती है इन दोनों ही बाइक्स की लुक्स, डिज़ाइन, सब कुछ। तो आपके मन में शायद कन्फ्यूजन है इन दोनों ही बाइक्स को लेके कि कौन सी बाइक आप चूज़ करें, तो सबसे पहले एक चीज़ आपको देखना है कि आपका पर्पस क्या है, आप क्या करना चाहते हैं 250 सीसी की बाइक को लेके। मतलब आप अगर टूरिंग में जाना चाहते हैं या फिर लॉन्ग राइड्स करते हैं आप, तो उसके लिए आपको ऐसा बाइक देखना पड़ेगा जो कि लॉन्ग राइड में कंफर्टेबल हो, सीटिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा हो और मतलब कि सीटिंग डायनामिक्स काफ़ी अच्छा हो और सीट की जो हाइट है वो भी काफ़ी ठीक ठाक हो और सीट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा हो। मतलब कि ओवरऑल अगर देखेंगे तो सीटिंग कंफर्ट सबसे अच्छी होनी चाहिए। बाकी अगर दूसरे चीज़ों के बारे में देखा जाए तो जो हैंडल बार मिलता है कंफर्टेबल, वो आपको ड्यूक में ज़्यादा कंफर्टेबल हैंडल बार मिलता है, लेकिन आप अगर दूसरे साइड पे देखेंगे हस्क्वर्ना को तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छी हैंडल बार मिलता है, लेकिन उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। आपको लॉन्ग राइड में ड्यूक में ज़्यादा अच्छा फीडबैक देखने को मिलेगा। हालांकि दोनों ही बाइक्स पे आपको ट्यूब हैंडल बार मिलता है, लेकिन ड्यूक का हैंडल बार ज़्यादा अच्छा है। एक पॉइंट पे आपको लग सकता है कि हस्क्वर्ना स्पार्कप्लेन 250 में सीट आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, क्योंकि उसको देखने में लगता है कि काफ़ी बड़ा और मोटा साइज़ का सीट है, वैसा है भी, लेकिन लॉन्ग राइड्स के लिए उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। लेकिन ड्यूक में अगर देखेंगे ड्यूक 250 में, तो यहाँ पे जो सीट दिया गया है वो काफ़ी बड़ा साइज़ का है और
लॉन्ग जर्नी में उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और पीछे में अगर देखेंगे लगेज कैरिंग कैपेसिटी, तो यहाँ पे ड्यूक भी आगे निकल के आती है, क्योंकि ड्यूक में आपको काफ़ी अच्छी जो है कैपेसिटी मिलता है पीछे, मतलब पिलियन सीट में भी आप लगेज रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे सैडल बैग भी लगा सकते हैं बहुत इजीली। लेकिन अगर दूसरे साइड में आप हस्क्वर्ना स्पार्क प्लग 250 को देखेंगे, तो इस बाइक में पीछे उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है कि आप बड़ा जो है बैग्स या फिर कुछ रख पाए सामान, तो उतना ज़्यादा कुछ स्पेस उसमें आपको नहीं मिलता है। पिलियन कंफर्ट भी काफ़ी ख़राब है ड्यूक 250 के मुकाबले, यहाँ पे आपको पिलियन कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता है, जीरो में कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कॉम्पैक्ट सा सीट और सीटिंग पोजीशन दिया गया है पिलियन राइडर के लिए। तो इस मामले में तो ड्यूक 250 आगे जाती ही है। और अगर दूसरे चीज़ों को देखेंगे, तो आप अगर सैडल बैग लगाना चाहोगे हस्क्वर्ना 250 में, तो वो भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइन ही बिल्कुल अलग है। और अगर सच बताओ तो हस्क्वर्ना 250 इन सारे चीज़ों के लिए बने नहीं है, यहाँ पे आप सिर्फ एक ही लगेज जो है पीछे कैरी कर सकते हैं, वो भी नॉर्मल सा बैग सीट के ऊपर, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी आपको ड्यूक 250 में ही देखने को मिलेगा। तो आप अगर लॉन्ग टूर के लिए लेते हैं तो काफ़ी अच्छी रहेगी ड्यूक 250। लेकिन आप अगर सिटी राइड्स करते हैं, आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है, आप सिर्फ अपने शहर में ही घूमते हैं या फिर आप जहाँ भी रहते हैं छोटी मोटी राइड्स के लिए ही आप घर से निकलते हैं, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो हस्क्वर्ना 250 से ज़्यादा अच्छी बाइक आपको नहीं मिलती है हस्क्वर्ना स्पार्क प्लेन 250। उसमें आपको काफ़ी अच्छी राइडिंग डायनामिक्स देखने को मिलता है। लेकिन एक और भी ख़राब पॉइंट है, वो ये है कि हस्क्वर्ना स्पार्क प्लेन 250 में आपको सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा मिलती है, 842 mm की सीट हाइट मिलती है हस्क्वर्ना में, और ड्यूक 250 में आपको मिलता है 823 mm की। तो यहाँ पे ड्यूक 250 में आपको काफ़ी अच्छी राइडिंग डायनामिक्स मिलता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात किया जाए, तो यहाँ पे दोनों बाइक्स में ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं है। हस्क्वर्ना में आपको 149 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, और ड्यूक 250 में आपको 151 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। तो यहाँ पे उतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से ठीक ठाक ही है। इसके बाद अगर दूसरे चीज़ों के बारे में देखेंगे, तो यहाँ पे हस्क्वर्ना 250 स्मार्ट प्लेन में आपको जो हेडलाइट मिलता है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल एक नई डिज़ाइन के साथ अभी दिया गया है और बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे आपको लाइटिंग उतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता है, ये एक ड्रॉबैक है, लेकिन डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन ये आप सिटी में जब चलाओगे तो आपको उतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, फील नहीं होगा लाइटिंग का कोई इशू। लेकिन आप अगर दूसरे साइड में ड्यूक 250 को देखेंगे, तो उसमें आपको अभी और भी बेहतर लाइट मिलती है, मतलब अभी फुल LED किया गया है, 390 की जो लाइट की थ्रो है वैसा ही थ्रो आपको इस ड्यूक 250 में भी मिलता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम दिया गया है 390 के जैसा ही, यहाँ पे लाइट आउटपुट और भी ज़्यादा ब्राइट है एज कम्पेयर टू हस्क्वर्ना स्पार्क प्लेन 250। तो यहाँ पे हेडलाइट के मामले में भी ड्यूक 250 सबसे आगे निकल के जाती है। बाकी अगर इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में बात किया जाए, तो दोनों में ही आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलते हैं। दोनों में ही आपको सुपर मोटो मोड भी मिलता है, तो आप यहाँ पे ABS को स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो ये दोनों बाइक्स में ही आपको मिलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और भी अगर चीज़ों के बारे में देखा जाए, तो दोनों ही बाइक अपने अपने सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, ये क्लासिक बाइक के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। दूसरे साइड में ड्यूक 250 नेकेड स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से काफ़ी बढ़िया दिया गया है। कि अगर टैंक के बारे में बात किया जाए, तो ड्यूक में आपको 13.5 लीटर्स की टैंक मिलता है, दूसरी तरफ आपको हस्क्वर्ना स्पार्क प्लेन 250 में 9.5 लीटर्स की टैंक मिलता है। तो टैंक कैपेसिटी ड्यूक में ही ज़्यादा है, तो लॉन्ग राइड्स में ड्यूक आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगी जितना कि देगी हस्क्वर्ना स्पार्क प्लेन 250। बाकी मैंने दोनों ही बाइक को चलाया है पर्सनली, तो मुझे पसंद तो दोनों ही बाइक है। हस्क्वर्ना की बात कुछ अलग है और ड्यूक की बात कुछ अलग है, तो आपको कौन सी बाइक लेना है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों बाइक की प्राइस डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आपको 20-30,000 रुपीज़ का जो है प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों ही बाइक्स के ऊपर। तो आपके ऊपर ही सब कुछ है कि आपको कौन सी बाइक लेनी है। अगर आपको ज़्यादा राइड नहीं करनी है, क्लासिक बाइक ही चाहिए, तो आप हस्क्वर्ना की तरफ जा सकते हैं, रॉयल एनफील्ड से तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है हस्क्वर्ना स्पार्क प्लेन 250।
और आपको अगर लॉन्ग राइड्स करने हैं, काफ़ी दूर दूर तक जाने हैं, हेडलाइट पावरफुल चाहिए और पावर भी चाहिए अच्छा खासा, लुक्स भी चाहिए, तो KTM की तरफ आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है दोनों ही बाइक्स अलग अलग कैटेगरीज के हैं, तो आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सी बाइक चाहिए, आपका पर्पस क्या है, उस हिसाब से आप अपना बाइक खरीदिए। तो ये सीरीज़ आपको कैसा लगा वो आप नीचे कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।